So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको daily live classes, structured course, live test और unlimited access बहुत सारी awesome videos का. Unacademy provide करता है इंडिया के टॉप मोस्ट educated for your dream UPSC, जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपके UPSC exam को clear कराने में. So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. So, बढ़ते हैं आगे हम लोग. So, अब हम बात करते हैं UPSC CSE subscriptions के बारे में. तो अगर आप 2 साल का subscription लेते हैं तो इसकी आपको cost पड़ती है 64,000. बट अगर आप उस पर अलोक YT कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कॉस्ट आपको मात्र पड़ेगी 57,600 rupees. और जिसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे भी बाय कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी लेके आया आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो क्या होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटोर प्रोवाइड होंगे और मेंटोर्स आपकी क्या मदद करेंगे, आपके हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कराने की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी और उसे अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा. मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा जिससे आप अपने डाउट और बाकी सब चीजें पूछ पाएंगे. आपको मोटिवेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, आपकी स्टडी ट्रैकर होंगे, डेली रिपोर्ट्स होंगी आपकी, आपके प्रोफाइल रिव्यूज होंगे, आपका होगा स्टडी बूस्टर सेशन, डेली मेंस आंसर राइटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेटेड करंट अफेयर होंगे, डेली क्विजेज होंगी और हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स भी होंगी. सो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी किसमें, आपके स्टडी बूस्टर सेशंस में. और ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप सेशंस में. ओके सो अब हम बात करते हैं क्या मिलेगा आपको प्लस में और क्या मिलेगा आपको आइकॉनिक में. तो प्लस की फैसिलिटीज आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, वहीं आइकॉनिक की फैसिलिटीज उससे आगे जाती हैं. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आइकॉनिक की फैसिलिटीज यहाँ पे जा रही हैं. आपको पर्सनल कोच मिल रहा है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग मिल रही है, आपको स्टडी प्लानर मिल रहा है और आपको पर्सनलाइज फीडबैक भी प्रोवाइड हो रहा है. सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आपको पड़ेगी 99,000, जिसे आप 12 और 24 मंथ के ईएमआई पे ले सकते हैं. बट अगर आप इस पे आलोक YT कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कॉस्ट आपको 89,100 rupees पड़ेगी 24 मंथ के लिए. ठीक है, सेम उसी तरीके से आप इसे 12 मंथ के लिए भी ले सकते हैं जिसमें इसकी कॉस्ट है 64,000. बट अगर आप इस पे आलोक YT कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी मात्र 57,600 rupees. तो लेट्स क्रैक इट. तो आज हम करने जा रहे हैं 4 और 5 अगस्त के अपने करंट अफेयर के MCQs को. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं थॉट. ठीक है, तो इनका कोड्स का इस्तेमाल होता है हमारे कहाँ पे, हमारे मेंस में इस्तेमाल होता है. तो हम लोग अपने रोज का एक कोड भी क्या करेंगे, जो भी ये चल रहा है उसी के साथ ही, और इसमें देखेंगे कि अगर इन कोड का हमें इस्तेमाल करना है तो हम करेंगे कहाँ, तो किस किस जगह हम कर सकते हैं. गौतम बुद्धा का ये कोड देखते हैं. ठीक है, बिलीव नथिंग नो मैटर वेयर यू रीड इट और हु सेड इट, नो मैटर इफ आई हैव सेड इट अनलेस इट एग्रीज विद योर ओन रीजन एंड योर ओन कॉमन सेंस. ठीक है, अब देखिए इसका, ठीक है, आप सोचेंगे कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ करें. कोड तो अच्छा है, बढ़िया है. ठीक है, कि अपना रीजन जो है उसका इस्तेमाल करना है, अपना कॉमन सेंस जो है उसका इस्तेमाल करना है. ठीक है, बट हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे अगर हमें आंसर लिखना है, किस टॉपिक में ये जा सकता है. ठीक है, तो देखिए अगर आपको देखा जाए तो किस टॉपिक में जाएगा, फॉल्स न्यूज. ठीक है, फेक न्यूज जो फैलाई जाती हैं. ठीक है, फेक न्यूज. ठीक है, तो वहां पे अगर आप ये चीज को डालेंगे, इस कोड का अगर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध के, कि हमें कोई भी फेक न्यूज से बचने के लिए पहले अपना खुद का रीजन इस्तेमाल करना चाहिए, अपना खुद का कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपका जो आंसर आपने लिखा होगा उस वो कितना ज्यादा बेहतरीन लगने लगेगा, आप खुद केवल इस चीज को इमेजिन कीजिए. ठीक है, तो कोड को इस्तेमाल करना सही जगह ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हमारी सीरीज में हम ये भी साथ में सीखते चलेंगे कि उसे कहाँ मेंस में कैसे इस्तेमाल करना है. केवल ये नहीं कि कोड क्या है दिन का आज वो कोड नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे उसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे. तो ये हम इसे फेक न्यूज़ के अगर कोई भी हमें देखने को मिलता है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, फिर अगर कोई भी आपको ट्रेडिशनल कोई भी बैकवर्ड लुकिंग चीज़ बताता है कि पुराने हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है. ठीक है, या रूल ऑफ लॉ में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, या किसी में भी ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो आपके सोसाइटी के नॉर्म्स या फिर आपकी मॉरल वैल्यूज को खतरनाक तरीके से इफेक्ट कर रहा हो. ठीक है,
या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उसमें अच्छी ना हो, भले वो कितनी भी अच्छी हो बट ना दी गई हो ढंग से, ठीक है। तो आप वहां पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि भले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी कहा गया हो, ठीक है, किसी ने भी बनाया हो, बट अगर वो मेरे रीजन और मेरे कॉमन सेंस को नहीं सेट करता या फिर पब्लिक मास के नहीं करता, तो उसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस पर मैं बिलीव क्यों करूं, ठीक है। तो ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे कोड्स हैं जो आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो इन्हें हम करते चलेंगे ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपना दिमाग लगा के बढ़िया सा आंसर लिख पाएं, ठीक है। चलिए, सो अब हम जो कर रहे हैं कि अपना हम लोग करंट अफेयर को किसके फॉर्म में कर रहे हैं, हम एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं। सो हमारा देखिए टारगेट क्या है, हमारा टारगेट बड़ा सिंपल सा है कि हम जो भी करंट अफेयर है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 दिन पुराने, जहां से जिससे भी जैसे भी करंट अफेयर है, उन सबको हम किस में करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में करते हैं। पहले हम एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू में हम ये देख लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन उसमें बनने वाला है उसे हम पहले ही लिख लेते हैं, मतलब पहले ही उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि उसके बाद जब हम उसे पढ़ें तो उन चीजों को पकड़ के रखें कि हाँ हमें ये चीज पकड़ के रखनी है इसमें। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है गैलापागोस आइलैंड से रिलेटेड। चलिए, तो पहला पॉइंट कह रहा है, चलिए तो देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है गैलापागोस आइलैंड आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन अराउंड 1000 किलोमीटर अवे ऑफ साउथ अफ्रीका। ये सब नहीं देते हैं बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे दिया हुआ है तो इट्स करेक्ट, ठीक है। चले, अब उसके बाद बात है पेरू मेड अ पार्ट ऑफ गैलापागोस एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1935 एंड सेंचुरी बिकेम गैलापागोस नेशनल पार्क इन 1959, ठीक है। तो बंधु बात यह है कि नहीं, पेरू नहीं है, पहली बात इक्वेडोर है, तो ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सेकंड तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर सेकंड पता है तो आपका सीधा आंसर सी है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड बड़ा बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। तो इन 1978 द आइसलैंड बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोई जरूरत नहीं थी, आप बोलोगे ये जानना जरूरी है, आपने केवल क्वेश्चन उड़ा दिया, किससे, केवल आपको मेन चीज जो पता थी कि इक्वेडोर के पास है, पेरू के पास नहीं है। और हम्बोल्ट करंट जो है उसे पेरू करंट भी कहते हैं, तो अगर जिन्होंने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो वो इन दोनों को समझ के सही दूसरे और चौथे दोनों को सही मान लेंगे, और अगर सेकंड और फोर्थ को सही मानेंगे वो लोग तो बी ऑप्शन करके आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला चीज हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव ही कर देंगे, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट कर डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो गैलापागोस आइलैंड क्या है, पैसिफिक ओशन में 1000 किलोमीटर अवे है, कहां से, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया इसे 1935 में और नेशनल पार्क बनाया गया 1959 में। 1978 में यूनेस्को की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं जो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है। अब एंडेंजर्ड है किसकी वजह से, बाय कमर्शियल फिशिंग की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो सब तो ठीक है, अब हम मेन चीज यहाँ पे देखते हैं हम्बोल्ट करंट, ठीक है। अब चाइनीज फिशिंग शिप्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमते हैं, उसी के कारण ये थोड़ा न्यूज में रहता है। अब हम्बोल्ट करंट जो है इसे पेरू करंट भी कहते हैं, ये कोल्ड लो सैलिनिटी ओशन करंट है, ठीक है, कहाँ बहता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, और ये एक हाई प्रोडक्टिव सिस्टम है, इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हम्बोल्ट करंट, ठीक है, पेरू करंट भी इसको कहते हैं। तो यहाँ नीचे से अगर कोई भी साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ कोई भी करंट मूव करता है तो वो क्या होगा, वो हमेशा होगा कोल्ड करंट, क्योंकि कोल्ड करंट वो करंट जो ठंडा कर दे, तो ये क्या है, कोल्ड करंट, एकदम जबरदस्त। ये रहा गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस, सो एकदम इक्वेटर के साथ है। तो अगर आपसे पूछे इक्वेटर के नॉर्थ है, साउथ है, तो एकदम इक्वेटर के साथ है, साउथ ही दिख रहा है, नॉर्थ तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा बात इसे ध्यान रखनी होगी, ये वाला पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ढोल। तो ढोल मूवी आपने देखी होगी राजपाल यादव जी की, ठीक है, तो ढोल मूवी तो आपने देखी होगी राजपाल यादव जी की, तो उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, राजपाल यादव जी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे से बनाया गया है, उन्होंने कहा कृपया करके हमारी मूवी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है, तो हमने उनकी डिमांड पूरी की है। सो ढोल 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 ढोल, एशियन वाइल्ड डॉग कहा जाता है, एशियन एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहा जाता है, इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग, माउंटेन वुल्फ, तो ये सब इसको कहा जाता है, अच्छी बात है, बहुत सारे नाम, ठीक है। बिसाइड टाइगर ढोल इज द ओनली लार्ज कार्निवोरस इन इंडिया अंडर द IUCN एंडेंजर्ड कैटेगरी,
एकदम करेक्ट बात, एकदम सही जवाब, कोई और दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ढोल इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास क्या है, सबसे ज्यादा ढोल है, ठीक है। तो हमें पता ही है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ढोल है, ऐसे भी ध्यान रख लो, वैसे भी ध्यान रख लो, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम क्या है आपकी, एकदम 100% सत्य है, किसी तरीके का कोई उसमें दुख दर्द नहीं है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगी, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। तो थोड़ा ये बात ध्यान रखिएगा, इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो ढोल क्या है, इन सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये, ठीक है। चलिए, और तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ढोल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें बात ये करते हैं कि टाइगर के अलावा ढोल ही एकमात्र लार्ज कार्निवोरस है इंडिया में, ठीक है, जिसे IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अपेक्स प्रेडेटर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब बात इसमें ये आ रही है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है वो रैंक हाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड ढोल इन इंडिया, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना जो है इनको थोड़ा अपना जो है थोड़ा ये चीजें अच्छी करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो बस इतने ही मेन पॉइंट है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके बाद इंडिया में क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ढोल्स हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिएगा तब तक। चलिए, सो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये, इसमें क्या कहना चाहता है ये। चलिए, सो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। यहाँ पे पहली बात ये कह रहा है और दूसरी बात ये कह रहा है, और इसका काम क्या है देख सकते हैं हम लोग, टू डेवलप एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेक्टर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। एकदम सही बात है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आता है, और इसका जो मेन रोल है इंप्रूवमेंट ऑफ द वेरियस क्रॉप प्लांट एंड डाइवर्सिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू जम प्लांट इंट्रोडक्शन। दोनों स्टेटमेंट एकदम जबरदस्त सही है, ठीक है। सो यही है पूरा का पूरा, दोनों के बीच में अभी क्या हुआ है, रिसेंटली MOU हुआ है, दोनों ने आपस में MOU साइन किया है टू मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। सो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड का बना था 2000 में बना था, आयुष के अंडर है, और यही सेम इसका क्या है वर्क है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या है, 1977 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च फाउंडेशन, और क्या है मेन इसका सारा रोल जो है हमने ये कर लिया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगाटी आइलैंड से रिलेटेड। तो अगाती कहां पे है, अगाती से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये अंडमान में है और ये एक लगून है, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये ए बी गा डा दिख रहा है तो इसे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ए बी सी डी कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, अगाती के बारे में बताना है आपको। ये अंडमान में है, गलत बात है, ये लक्षद्वीप में है तो ये गलत है, और सेकंड इज द करेक्ट स्पेंट, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो देख सकते हैं अगाती कहाँ पे हमारा,
ये सारे के सारे जितने आइलैंड्स हैं ये लक्षद्वीप हैं, ये रहा आपका अगाती, ठीक है, ये रहा आपका अगाती, केवारेती, ठीक है, केलपेनी, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, चलिए इतना ही है, ठीक, मिनिकॉय नीचे, चलिए। सो अगाती में क्या है, यूटी है किसकी, लक्षद्वीप की, ठीक है, यूटी ऑफ लक्षद्वीप। अब उसके बाद देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अभी क्या है, क्या हुआ कि वहाँ पे एनजीटी ने कहा कि भैया ग्रांट कर दिए इंट्रीम बेल, किस चीज़ की इंट्रीम दे दिया, किस चीज़ के, कोकोनट ट्री को गिराने का, ठीक है, तो इसके कारण आम बात है वहाँ पे इंटीग्रेटेड आइसलैंड मैनेजमेंट जो प्लान चल रहा है उससे इफेक्ट होगा, ठीक है, तो वही सब बात है यहाँ पे, दो चीज़ें मेन है, एक तो कोकोनट और ऊपर से क्या है, फिशिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं येलो फीवर से रिलेटेड। तो ये वायरस से होता है जो एडिस एगैटी मॉस्किटो की वजह से होता है, और नो वैक्सीनेशन, की कोई वैक्सीनेशन नहीं है अभी तक। सो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या होगा, ठीक है। चलो तो पहली चीज एकदम करेक्ट है और सेकंड चीज नहीं, इसका वैक्सीनेशन है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर क्या है, तो इसमें ए आंसर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज रॉन्ग, डी नहीं, यहाँ पे ए आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि करेक्ट बताना है हमें, तो करेक्ट इसका ए है, ठीक है। चलिए, सो येलो फीवर जो है वो स्प्रेड किससे होता है, एडिस एगैटी मॉस्किटो से, ठीक है, और ये क्या है, ह्यूमन हैबिटेशन के पास होते हैं और 34 कंट्रीज सब सहारन रीजन में है, ठीक है, और इनका 3 ट्रांसमिशन साइकिल होता है, अफ्रीकन, अर्बन, जूनॉटिक और इंटरमीडिएट, ठीक है। अब मेन चीज इसमें ध्यान ये रखनी है आपको कि इसकी वैक्सीनेशन है, फिर भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता था कॉलोनियल रूलर्स द्वारा, जवाहरलाल नेहरू ने फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा, एंड महात्मा गांधी ने द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, ठीक है, ये सब बातें इन्हें, इनके बारे में कही गई है कुछ महान लोगों ने। सो आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही है, सो इसका आंसर क्या है, बोथ, बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सो एकदम सही है। तो क्या नाम है, यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत ही है, डी डी आंसर मार्क हो गया, ठीक है, सो इसे आप रखेंगे सी, ठीक है, द करेक्ट आंसर सी, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारी क्लास में आप कर ही रहे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फाइनल पीपीटी में तो सब चीज़ें आपको सही करके मिलेंगी। तो बाल गंगाधर तिलक जो है उनके 100वीं डेथ एनिवर्सरी थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की, टोटल सेल्फ रूल की मांग की, तो लोग बाल गंगाधर तिलक की 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 1 अगस्त को, ठीक है। तो अब उसमें देखते हैं, लाल बाल पाल में इन्हें गिना जाता था, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जिन्हें ब्रिटिश ने कहा, और फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया महात्मा गांधी जी ने कहा, और इनका फेमस स्लोगन क्या था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पॉइंट है ये, तो पूछा जा सकता है इस बार कि प्रीलिम्स में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके बन सकते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है, एग्रीमेंट अमंग इंडिया, नेपाल एंड यूनाइटेड किंगडम दैट डील्स विद द मिलिट्री सर्विसेज ऑफ गोरखा सोल्जर वाज मेड इन, किस साल में ये बनाई गई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो तो कब बनाई गई थी, दैट इज इन बी 1947 में ये एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। तो अभी यही है कि नेपाल ने ये कहा है कि हम जो है ये एग्रीमेंट जो है 1947 वाला का, इसे हम नहीं मानते, और यूके से कह रहे हैं कि आप इसे क्या करें, खत्म कर दें, ठीक है। तो अब वो उतनी पुरानी चीज को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1947 में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के जो मिलिट्री सर्विसेज थी उनके बीच में, और गोरखा के बीच में, ठीक है, गोरखा सोल्जर्स के बीच में, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद, ठीक है, जो वॉर हुई थी एंग्लो नेपाल, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद ये बात हुई थी पूरी की पूरी, ठीक है, और गोरखा रेजिमेंट को क्या किया था, आपस में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अब हमें मालूम है काला पानी, लिपु यादुरा, लिपु लेक, ठीक है, इन सबका आपस में नेपाल के साथ हमारा डिस्प्यूट लगातार पिछले महीने से चला ही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक पर्सन को अरेस्ट और डिटेन किया जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, देन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) शैल नॉट बी अवेलेबल अगेंस्ट आर्टिकल, किस आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो 22(3), 22(4), 22(5), 22(6). देखिए एज सच इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ये बहुत ऐसा ही एकदम एक प्रोविजन डालना है, ठीक है, बट ये थोड़ी सी चीज़ है जो आपको कहीं पे भी बढ़िया तरीके से थोड़ा मजा दिला सकता है, ठीक है, कि हाँ 22(1) में कुछ और प्रोविजन, 2 में कुछ और है और 3 में कुछ और है, थोड़े ये प्रोविजन अंदर के पते होने चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 22
थ्री, ठीक है, फोर वोर कुछ नहीं है, थ्री का ही है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। पब्लिक सेफ्टी एक्ट से रिलेटेड है जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे देखिए जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को जब से हटाया गया 370 उसके बाद भी एक साल हो चुका है, बट चीजें वैसी की वैसी ही चल रही है, ठीक है। हिपस कॉपस की पिटिशन ढेर सारी लगी है बट अभी तक 1% को ही सुना गया है, ठीक है। तो वही है आर्टिकल 22-23 में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैक्सिमम जो वहाँ पे लीडर है अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में, देन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, 21, 22, 1 एंड 22 शैल नॉट बी अवेलेबल, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिटेंशन हुआ है वो हुआ है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, किस एक्ट के अंदर, यहाँ के एक्ट के अंदर, जो कश्मीर का जो एक्ट है पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसके अंदर हुआ है, ठीक है। तो आपको अब यह बताना है कि मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितने टाइम तक के लिए हो सकता है, यहाँ पे इनके में तो बहुत लंबा है, ठीक है, 2-2 साल तक की बात है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर, उसमें कितने टाइम पीरियड को मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल ट्रांजिट पास जो बनाया गया है वो किस लिए है, क्या करेगा ये, किसकी मूवमेंट के लिए, फॉरेस्ट, मिल्क, डिफेंस या पेट्रोलियम प्रोड्यूस के लिए, आपको ये बताना है। और प्लीज इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी है ये, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर ए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ये है, ठीक है। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम बनाया गया है NTPS, ठीक है, टिम्बर, बैम्बू और बाकी सब के लिए, ठीक है। मैक्सिमम अभी कहाँ पे, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में इसे लॉन्च किया जा रहा है, तो इसका ट्रांजिट पास मिलेगा ताकि आराम से वो क्या हो चीज़ें, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है पूरे इंडिया में सीमलेस तरीके से जा सके। नेक्स्ट, इसका हिंदी में देने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो पता ही रहता है। बराक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट कहाँ पे, आपको ये बताना, ईरान, इराक, सीरिया और UAE में से, तो ये कहाँ पे आपका, ये है यूएई का, और यूएई का ये पहला प्लांट है जो क्या हुआ है, क्रिटिकली हो गया है, क्रिटिकली एक्टिव हो गया है। और हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्रिटिकली एक्टिव क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि व्हाट इज क्रिटिकली एक्टिव, हम लोग पिछली क्लास में क्रिटिकली एक्टिव कर चुके हैं, हमारा काकरा पाक भी आप क्रिटिकली एक्टिव हुआ था, तब हमने पढ़ा था कि क्रिटिकली एक्टिव होना क्या होता है, साइंस एंड टेक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ये सेक्शन में आ सकता है, बड़े आराम से इसको पूछा जा सकता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, तो इसे आपको करना है और बताना है इसका सही जवाब। तो सोर्सिंग की बात कर रहा है, सोर्सिंग डायनामिक की, जिसमें सोर्स के बारे में कुछ बता रहा है, सिंक्स के बारे में कुछ बता रहा है और इकोलॉजिकल ट्रैप, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें जानने हैं, ठीक है। और इसका भी रिलेशन सीधा सीधा किससे हुआ है, टाइगर्स के साथ जो है हमारे पॉपुलेशन, उसके साथ सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, ओ सॉरी इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट तो पूछा ही नहीं, तो क्या है इनकरेक्ट, इसमें फोर आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सिंक एकदम यही होता है, लो क्वालिटी हैबिटेट, और यहाँ पे सोर्स में क्या होता है, हाई क्वालिटी हैबिटेट और सोर्स थिंग के बीच में डायनामिक्स, वही दोनों की चीज हो गई, ठीक है। चलिए तो फोर्थ इज द इनकरेक्ट आंसर, तो सोर्स क्या है, सिंक डायनामिक्स, सोर्सिंग डायनामिक्स क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल है, इकोलॉजिस्ट जिसे यूज करते हैं, वेरिएशन इन हैबिटेट क्वालिटी में अफेक्ट द ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सोर्स क्या है, हाई क्वालिटी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, सिंक क्या होगा, लो क्वालिटी होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अभी देखने की बात ये हो रही है कि 33% जो इंडियन टाइगर पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, आपकी आउटसाइड द सोर्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। और 17 out of 15 जो टाइगर रिजर्व है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है, ये थ्योरी ये कहती है कि देखिए, डिस्क्राइब द रीजन वाई ऑर्गेनिज्म एक्चुअली प्रेफर सिंक पैचेस ओवर द सोर्स पैचेस, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये है, तो यही क्या है, इनका ट्रैप है, ठीक है। भीड़ कम लगती है वहां पे उन्हें, तो वो वहां पे चले जाते हैं, बट वहां पे उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने के ही चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है, लेपर्ड जो है लिस्टेड है IUCN की रेड लिस्ट में, किस पे, वनरेबल है, एंडेंजर है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या लीस्ट कंसर्न है, आपको ये बताना है। सो क्या है, इट इज वलनरेबल, ठीक है, क्या है, वलनरेबल। तो IUCN की रेड लिस्ट में इंडियन लेपर्ड्स की भी अब सेंसेस की बात हो रही है, ठीक है, 2014 में पहले कराया जा सकता था, ठीक है। मेलानिन ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ब्लैक पैंथर और जैगुआर इसीलिए कहा जाता है, कोई अलग स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है, साइट्स में भी हैं ये, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है आपके,
ये IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए सो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जितने हमारे दो दिन तीन दिन के जितने भी हिंदू के आर्टिकल्स हमारे जितने भी बनते हैं, ठीक है, उन आर्टिकल्स को भी हम करेंगे अपने, ठीक है। सो उन आर्टिकल्स को साथ खत्म करते हैं। तो सबसे पहला ये एक आर्टिकल आता है आपके सामने, ठीक है। हमें मालूम है, हम लोग पिछले महीने से करते आ रहे हैं, बाईजान कहाँ पे है, आसाम में, और यहाँ पे क्या हुआ था, आग लग गई थी इस वेल में, ऑयल वेल में। तो यहाँ पे यही कह रहा है ये आर्टिकल कि हमने इनसे कुछ सीखा नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कह रही है देहरादून में, वो कह रही है हमने इनसे कुछ नहीं सीखा है। और सेम उसी तरीके से इससे पहले भी जो दायकॉम में हुआ है और नारकाटिया डयाओ में हुआ है, फिर भी हम कुछ नहीं सीख रहे हैं इन सब गलतियों से। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, डिब्रू शिकावा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे, आसाम में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, ISSER की टीम ने एक इवोल्यूशनरी डिस्पर्शल पैटर्न जो है उसे नोट किया है। तो देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको जानना है वो ये है, डिस्पर्शल इवोल्यूशन जो है, ठीक है, क्या है, डिस्पर्शल इवोल्यूशन, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है, डेंसिटी डिस्पर्शल डिपेंडेंट डिस्पर्शल, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ से स्पीशीज क्या है, कम डेंसिटी की तरफ जाती है, और उसके कारण जो इवोल्यूशन होता है उसे पूरी तरीके से इन्होंने डिनोट किया है, नोट किया है, ठीक है। ऐसा ज़्यादा कुछ इसमें निकल के नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च इसमें कुछ खास दिखा दी हो कि इवोल्यूशन के कारण हो रहा है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट है, कहीं पर इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं हम लोग NGT ने, देखिए वही अगाती वाला जो है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अगाती कहाँ पे और बाकी सब चीज़ें हम लोग इससे कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट जो आया, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें मेन ये बताया गया है कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो क्यों हिंदुओं को डायरेक्टली नहीं मिल सकते उससे रिलेटेड है, और क्यों बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो क्या है, किसी एक्ट के थ्रू सीधा स्टेट के पास हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो स्टेट, जैसे सबरीमाला जजमेंट एक्ट, ठीक, फिर उसके बाद आप बहुत सारे टेम्पल देखेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ एक्ट, जिसके कारण ये क्या है, स्टेट के अंडर है। फिर ये बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड एक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे आप श्री जगन्नाथ टेम्पल देख सकते हैं, नाथद्वार टेम्पल देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप तिरुपति बालाजी टेम्पल देख सकते हैं, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ टेम्पल देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको श्री जगन्नाथ टेम्पल देख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपने टेम्पल देखे हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये आप इस्तेमाल, ये आपको कहाँ काम आएंगे, ये आएंगे आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में, ठीक है, पूछ सकते हैं ये टेम्पल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि अगर इन टेम्पल्स को स्टेट जो कर रहा है वो एक सेकुलर एक्ट है, ठीक है, क्यों सेकुलर एक्ट है ये आगे उसी समय बात की गई है, ठीक है। तो बद्रीनाथ टेम्पल भी इसी तरीके से एक पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, पब्लिक के अंडर है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक टेम्पल ऐसे बताया गया, बट इसमें यहाँ पे बात आ रही है कि ऐसा आप हिंदुओं के साथ कर रहे हैं तो गलत है, सिखों के साथ और मुस्लिम्स के साथ ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्या है, वक्फ बोर्ड पहले से बने हुए हैं, वक्फ एड बने हुए हैं 27 से ज़्यादा, और प्री, और ये बहुत पहले से बने हुए हैं, और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो एक्ट है वो 1925 में ही आ चुका था, ठीक है, तो बहुत पहले से ये सब चीज़ें हैं। अब ये सारा मामला है किसका, ये सारा मामला है आर्टिकल 26 का, किसका, आर्टिकल 26 का। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 26 में क्या है, राइट टू मैनेजमेंट अंडर आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस अफेयर को देता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम यही निकल के आएगी कि आर्टिकल 26 कैन नॉट बी इन्वोक इफ द डिनोमिनेशन नेवर हैड द राइट टू मैनेज द टेम्पल प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कभी वो रहा नहीं है उसके पास तो उसे नहीं कर सकता, इट मियरली एक्नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग राइट, तो केवल प्री एग्जिस्टिंग राइट जो है उन्हीं को ही एक्नॉलेज करता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से ध्यान रखना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 26A, B और C, ठीक है, ये तीनों जो है, तीनों पोर्शन को आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो एक मिनट रुकिए, तो आर्टिकल 26A क्या कहता है, B क्या कहता है और C क्या कहता है, इन पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से समझ लें। देखिए आर्टिकल 26B क्या कहता है, आर्टिकल 26B ये कहता है, देखिए, कि राइट टू मैनेजमेंट जो है, ठीक है, वो गारंटी है आर्टिकल 26B के अंडर, ठीक है, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है, विद रिस्पेक्ट टू राइट टू प्रॉपर्टी, वो है आर्टिकल 26C के अंडर, और उसे किसके थ्रू एक्सरसाइज किया जाएगा, अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अगर लॉ बनाया गया है तो उसे भैया प्रॉपर्टी का जो राइट है वो तो उसी तरीके से ही होगा, ठीक है, मैनेजमेंट करना है आप करो, बट आपकी प्रॉपर्टी के राइट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसे पूरी तरीके से जो राइट है, इसे पूरी तरीके से मैनेजमेंट का जो राइट है उसे खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसा खुद कहता है आर्टिकल 26C। तो आपको 26A, 26B और 26C इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ए भैया किसकी बात कर रहा है, मैनेजमेंट की, ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर्टी की, और ये बात कह रहा है कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते आप, ठीक है, ऐसा खुद कह रहा है आर्टिकल 26C। ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब उसकी बात है कि क्यों हिंदू जो टेम्पल है वो क्यों नहीं मिल सकते, बात यह है कि सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं वो इटर्नल वैल्यूज की बात होती है,
तो बहुत सारे हिंदू बहुत सारे चीजें फाइनल मतलब फॉलो करते हैं, तो इसलिए कोई डिस्टिंक्टिव नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 26 के थ्रू तो यही चाहिए कि भाई अगर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन एक पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो वो है ही नहीं कुछ, तो इसलिए यहाँ पे ये डिस्टिंक्टिव ना करने की वजह से ऐसा नहीं माना जा सकता कि उन्हें वो टेम्पल्स के उस तरीके से राइट दिया जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको 31A जो है आपका आर्टिकल और 31B जो है, ठीक है, तो ये ए के 31A और 31AB, ठीक है, इन दोनों के दोनों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखना ये जो डाइटीज हैं इन टेम्पल्स की, इन्हीं के पास पोजेशन है किसका, इन टेम्पल्स का, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा था आर्टिकल था, बट बढ़िया आर्टिकल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमें मालूम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकली हुई है, तो आप इसे बढ़िया से कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, अपने उसमें आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि यहाँ पे टैगोर का एजुकेशन के ऊपर कहना ये था कि भैया ज्यादा से ज्यादा अपने क्या करो, इंडियनाइजेशन करो, ठीक है, इंडिजिनस कल्चर को ज्यादा ध्यान दो, तो इन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा था, तो इसे आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और यहाँ पे इनका कोड बड़ा बढ़िया था, इसे आप चाहें तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, द एजुकेशन ही एडेड वॉज अ चैरियट विच दे ड्रैग बिहाइंड देम इन अ स्टेयर ऑफ राइडिंग इन इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका बड़ा अच्छे तरीके से टैगोर का कोट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लेपर्ड के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो सेंसस होने वाला है उससे रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कराने वाली है, 2014 में पहले ही हो चुका था, 12,000 से 14,000 है, 8,000 केवल टाइगर जहाँ पे रहते हैं वहीं पर रहते हैं, ठीक है। और क्या कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN पे, ये हम कर ही चुके हैं अभी जस्ट। नेक्स्ट, SpaceX ने अपना जो मिशन लॉन्च किया था स्पेस मिशन, वो गया और वापस आ गया, ये देखिए यहाँ से लटकते हुए आराम से एस्ट्रोनॉट वापस आ गए, कहाँ गिरे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अब आप पूछोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको से क्या रिलेटेड है, आपको ये बताना है गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले और ये पूछा जा सकता है, कौन सी रिवर गिरती है, कौन सी रिवर जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, SpaceX किसकी है, एलन मस्क की, हमें पता ही है। देखिए, तमिलनाडु ने कहा है कि वो जो 3-language फॉर्मूला है उसे बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आगे बात। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 55% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनके यहाँ पे किसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का किसी भी तरीके का यूज नहीं हो रहा, और ये किसमें का आया, CSC ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंडर ऐसी बात कही गई है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में, कि अभी भी देखिए ऐसा चल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सारे लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा बढ़िया है कि ट्राइबल्स जो है उनके लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो रीजनल लैंग्वेज आराम से बच्चे समझ पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसके ऊपर पहले से पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स कितनी इंडिया में, इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले साल ही आ चुका है, तो इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसे देख सकते हैं, उड़ीसा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है ट्राइबल्स की, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो ट्राइबल्स की एजुकेशन के लिए काम करती है ट्राइबल लैंग्वेज में। संथाली को तो चलिए क्या मिला हुआ है, शेड्यूल 8 में स्टेटस मिला हुआ है, और क्या नाम है उसके लिए बहुत सारे स्कूल पहले से चल रहे हैं, बट बाकी के लिए भी अच्छा अच्छा करना जरूरी है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आ रही है डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके, ठीक है, तो पब्लिक के व्यूज के लिए इसे सामने रखा, जब तक इसमें और चीजें नहीं आती तब तक इसे डिस्कस करने का कोई खास मतलब बनता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बात सामने आ रही है कि जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है ये बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। 500 कंपनी से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से कंडीशन कैसी चल रही है भैया, अच्छी चल रही है, गुड चल रही है, बैड चल रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, आप बताइए, तो 50 को रखा जाता है नेगेटिव पे, ठीक है, 50 को रख दिया जाता है नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, तो कंपनीज अगर कहती है कि हाँ भाई कंडीशन अच्छी है, पॉजिटिव है, तो इकॉनमी पॉजिटिव है, अच्छा खराब है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है। इससे पहले हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर चुके हैं जिसमें पूरी ओवरऑल को किया जाता था, ठीक है, तो आईआई इंडेक्स इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो आईआईपी में क्या है, पूरी इकोनॉमी को देखा जा रहा है, इसमें तो केवल कुछ 500 इंडस्ट्रीज को देखा जा रहा है, तो इससे कोई रियल फिगर पता नहीं चलता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसमें और आगे कुछ चीजें देखते हैं कि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, उसमें देखिए कौन कौन निकालने वाली इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट सिंगापुर इंस्टीट्यूट और HIS मार्केट ग्रुप, ठीक है, तो इन तीनों का मिलकर कोलैबोरेशन ही है अपना एक तरीके से, बट इंडिया वाला जो है वो कौन निकालता है, निक्की निकालती है, ठीक है, कंपाइल निक्की करती है, और निकालता कौन है, मार्केटिंग इकोनॉमी इसको निकालती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखिए सो अरब का क्या है, पहला जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, ठीक है, कौन सी, आपको हम लोगों ने कर लिया बरक्खा न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये क्या हो गई, क्रिटिकली एक्टिव हो गई है। ढोल के कंजर्वेशन से रिलेटेड हम लोग चीज कर ही चुके हैं, ठीक है, वनरेबल क्या नाम है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, और क्या नाम है, कर्नाटक महाराष्ट्र MP इसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है किसी भी, क्योंकि कार्निवोरस है तो पूरा का पूरा फूड चेन को मेंटेन करता है, इंडिया में क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ढोल्स है, ठीक है। चलिए
फिर उसके बाद करते हैं घाटी आइलैंड, इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट पूरा कर ही चुके हैं, ठीक है, फेलिंग ऑफ कोकोनट और बाकी सब चीजें। नेक्स्ट उसके बाद लेपर्ड साइटिंग जस्ट हमने किया है पीछे, ये वापस आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारी जो आज की जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दो दिन के, वो सारे हमने किए विद हिंदू के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उन्हें डिस्कशन के साथ। सो दिस इज माई चैनल रिलीजन स्टडी, से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा कोड आलोक क्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी ऑल सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।